शुजील खान हमारे साथ हैं। शुजील का कमबैक हुआ है। शुजील, मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा बताएं कैसा, कितना हार्ड वर्क था इस पूरे प्रोसेस का, सितंबर से अब तक आपने गेम क्रिकेट खेली, और दूसरा ये कि थोड़ा सा टाइम के मुताबिक बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो बड़ी खुशी है कि कमबैक हुआ है पाकिस्तान टीम में। जो पीछे इतनी मेहनत थी, पूरा डोमेस्टिक सीज़न खेला है, 7 महीने से पिछला क्रिकेट ही क्रिकेट चल रही थी फुल। तो उसमें जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, फिर उसमें PSL खेली, 57 to 60 days प्लेइंग डेज बन रहे हैं क्रिकेट के। तो उसको पूरा मेहनत से खेला, फोकस करके खेला, और फिर चांस मिला है पाकिस्तान टीम में आने का। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी मेहनत हो रही है, कैंप अच्छा चल रहा है। बिल्कुल 4 से 5 दिन हो गए कैंप के अंदर, और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली है यहाँ आके। और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जैसा चल रहा है इसको आगे कंटिन्यू रखूँ। और हमेशा से मेरा सारा फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर ही हुआ है। तो जैसे पहले खेलता हुआ आ रहा था, जैसे पहले मैं परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था, तो इंशाल्लाह मेरी आगे भी यही कोशिश होगी कि मैं वैसे ही खेलूं और वैसे ही परफॉर्मेंस करूं। जी, क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज स्टार्ट करेंगे। जी शाहिद हाशमी, मोहित शाह, सोहेल इमरान, प्लीज। सर अभी वॉइस नहीं है आपकी। रजा, मैं कर लूं क्वेश्चन। अच्छा जी, जब भी आपका नाम आता है और आपके मुतालिक बात होती है, तो एक बात बड़ी वाजे आती है कि फिटनेस का प्रॉब्लम और फिटनेस का इशू। माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट के लिए आपसे बेहतर बैट्समैन शायद T20 का ना हो पाकिस्तान में, लेकिन फिटनेस की बात जब आती है तो उसमें बड़े लूप होल्स मिलते हैं और कमियां मिलती हैं। और ये पिछले इतने साल से जो आप आउट ऑफ क्रिकेट में नहीं रहे, एक्टिव क्रिकेट में, तो ये फिटनेस पे आपने पूरा एफर्ट नहीं की कि मैच फिट हो जाऊं, इंटरनेशनल जो फिटनेस रिक्वायर्ड है उसके करीब तर चले जाऊं। देखिए, फिटनेस का कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलता हुआ आ रहा हूँ और पूरे 7 महीने से क्रिकेट खेल रहा हूँ, और 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 11 T20 खेले हैं, 5 PSL के मैच खेले हैं, 7 पाकिस्तान कप के वनडे खेले हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई मैंने मैच अपनी फिटनेस की वजह से छोड़ा नहीं है। तो बाकी हर प्लेयर की एक रिक्वायरमेंट होती है फिटनेस की, हर प्लेयर की एक डिफरेंट फिटनेस होती है, उसको डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जो प्लान मेरे पास है, जो प्लान मुझे दिया है डोमेस्टिक से भी और यहाँ पाकिस्तान टीम से भी, मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूँगा और फॉलो कर भी रहा हूँ। कोशिश करूंगा ये जो लेवल है, मैं उसको जाके बिल्कुल उसको अचीव करूँ। जी शायद भाई, देन सोहेल इमरान। शर्जील, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अच्छा, जब आप कैंप में आए, पुराने दोस्तों से जिनके साथ खेले में मुलाकात हुई, तो माहौल आपको कैसा लगा? किसी ने टॉन्ट तो नहीं किया? कोई ऐसा तो नहीं लगा कि अनवांटेड सा मैं यहाँ पे दाखिल हो गया हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे प्लेयर वही हैं जो डोमेस्टिक में हम एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं पिछले 1.5 साल से, और सारे वही प्लेयर हैं। बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, बड़ा अच्छा सबने सपोर्ट की, सारे प्लेयर्स ने, सब मैनेजमेंट ने, सब ने, टीम ने, बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट है और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। जी सोहेल इमरान। शर्जील, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी फिटनेस का बात हो रही है आपसे, आपको कह रहे हैं कि आप प्लान जो दिया गया उसके ऊपर आप उसको अचीव भी करेंगे। हम देखा कल आपने तकरीबन 15 किलोमीटर आप प्लस जो है वो आपने रनिंग की, हर सूरत में आपने ग्राउंड का चक्कर लगाया, डबल्स रन्स के सूरत में जो प्लान दिया गया ट्रेनर ने आपको वो किया। तो जो 15 किलोमीटर की रनिंग को और दूसरे जो प्लान दिया गया, वो आपके लिए कितना मुश्किल है कि आप फौरी तौर पर इन अगले 2-3-4 हफ्तों के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर अमल भी करने, और एक जो टारगेट दिया गया है या जो एक बेंचमार्क है फिटनेस का, उसको आप अचीव कर लोगे? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं, वो फिटनेस तो नो डाउट आपकी रिक्वायर्ड है इसमें। और जो कल मैंने अपना सेशन किया, ये मेरा इंडिविजुअली सेशन था, और इसमें कुछ प्लान मुझे दिए गए थे यासिर भाई, जो हमारे पाकिस्तान टीम के ट्रेनर है, उनकी तरफ से भी। और कोशिश यही है कि अपनी फिटनेस को जितनी जल्दी इम्प्रूव करूँ, और इंशाल्लाह मैं उसको बहुत जल्दी अचीव भी कर लूंगा। जो हमारा बेंचमार्क है, एक लेवल है हमारा,
और 15 किलोमीटर की जो आपने बात की वो एक साथ नहीं था, उसमें काफी सारी डिफरेंट चीजें थी, वो सब मिला मिल के पूरे दिन की एक एक्टिविटी इतनी हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी माजिद भट्टी, शहजाद मलिक एंड देन यूसुफ अंजुम। अच्छा शर्जील, जितना फिटनेस की बात हो रही है तो मेन चीज, ये चीफ सिलेक्टर ने भी एक दिन कहा कि मेन चीज जो है वो तो परफॉर्मेंस होती है, तो ये बहुत ज्यादा जो पिछले 8-10 दिन से जब से टीम अनाउंस हुई है फिटनेस की जो बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, और ये भी नजर आ रहा है कि आप कीन भी है कि अपनी फिटनेस पे काम करें, तो ऐसा तो नहीं कि फिटनेस को ठीक करते करते आपकी जो असल जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर हो जाए, इस पे भी कहीं आपकी नजर है? और फिर जो इतना ज्यादा फिटनेस को लेके चर्चा चल रहा है, तो ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन या प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं या एक नॉर्मल अंदाज में इन सारी चीजों को ले रहे हैं? नहीं नहीं ये चीजें नॉर्मल है बिल्कुल, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल क्रिकेटर, अगर फिटनेस है तो साथ, कल 2 घंटे मैंने बैटिंग भी की है, साथ साथ स्किल के ऊपर भी जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, हर चीज फिटनेस नहीं होती, आपकी स्किल भी होती है, जरूरी बात है कि फिटनेस आपको इसमें रिक्वायर्ड है, और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रहा हूँ, और पूरा सीजन 7 महीने से खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूँ, कोशिश यही है कि आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा, साथ साथ स्किल के ऊपर भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। जी रिक्वेस्ट है कि फिटनेस पे हमें बहुत ज्यादा आंसर कर लिए, अगर हम बाकी चीजों पे चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, प्लीज। थैंक यू जी। प्लीज नेक्स्ट, शहजाद मलिक एंड देन यूसुफ अंजुम प्लीज। मलिक साहब नहीं है, फिर मैं करता हूँ। जी यूसुफ भाई आप कर लीजिए। शरीर टीम से दूरी के दौरान जो अरसा आपने गुजारा बाहर रहकर एक हादसे की वजह से, उसने आपकी लाइफ में क्या तब्दीली लाई? देखें जी, वो पास्ट की बातें हैं सारी, जाहिर सी बात है हर किसी का एक पास्ट होता है, और मैं अब जो दोबारा मेरा कमबैक हुआ है, मैं दोबारा क्रिकेट में आया हूँ, तो मेरा तो खैर अभी सिंपली फोकस यही है कि मैं अपनी क्रिकेट खेलूं, इसको एंजॉय करूं और अपनी फोकस करूं सारी परफॉर्मेंस के ऊपर, और मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि मैं जब भी मैचेस खेलूं, जो भी खेलूं, जो मेरी नेचुरल गेम है, मैं हमेशा उसको अप्लाई करूं, और कोशिश यही होती है कि मैं अपनी गेम से, अपनी परफॉर्मेंस है ना, अपनी टीम को मैचेस जिताऊं। जी अकील, अकील भाई प्लीज आप क्वेश्चन करेंगे और आंसर प्लीज आप करेंगे। जी अपना शर्जील, पहले तो जाहिर है जिस तरह कमबैक हुआ है वो आपके लिए बड़ा खुशी का मुकाम होगा, जाहिर है ये मौका है आपके पास, PSL में आपने परफॉर्मेंस दिया, डोमेस्टिक में भी दिया, इसी वजह से सिलेक्टर ने आपका इतमाद का इजहार किया। जनूबी अफ्रीका का दौरा हमेशा टफ होता है और ख़ास तौर पर ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए, तो कितना आप समझते हैं कि आप वाइड बॉल में एज ए ओपनर पाकिस्तान की फतह में किरदार अदा कर सकेंगे? देखें बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, मेरा कमबैक हुआ है, बिल्कुल खुशी होती है, और अभी जो हमारी प्रैक्टिस ट्रेनिंग हो रही है उस माहौल के हिसाब से हो रही है, और वहाँ पे अभी मेरी सिलेक्शन हुई है T20 स्क्वाड में, तो पहले वहाँ पे वन डेज हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाके पहले मैं देखूँ चीज़ें, और कोशिश करूँगा बिल्कुल, फर्स्ट टाइम मेरा है साउथ अफ्रीका का टूर, तो पहले मेरा टारगेट यही है कि अपना मैं T20 स्क्वाड में हूँ, मैं वहाँ पे खेलूं और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूं, और ऐसी परफॉर्मेंस हो जिस परफॉर्मेंस से टीम को फायदा हो और टीम मैच जीते, बिल्कुल एक चांस है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा इस चांस को पूरा अवेल करूं। शर्जील मेरा सवाल ये है कि जैसा बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको भी फिफ्थ की फिटनेस पे तहफुजात थे, अगर हम मिसबाह की बात करें तो चीफ सेलेक्टर जो है साबिक, उन्होंने आपकी जो है मुखालफत भी की आपकी सिलेक्शन की, तो दोनों कप्तान और कोच जो है वो मेन होते हैं प्लेयर के लिए, तो कितना मुश्किल है ऐसे माहौल में, इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे कप्तान को भी और कोच को भी दोनों को तहफ़ आते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस दे सको, आप जो है वो प्रेशर फ्री जो है वो खेल सको, ये आपके लिए मुश्किल है कि ये किस तरह, मतलब इस तरह कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आप? देखिए ये जो आपने बात की ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ना, मेरे से आगे किसी ने कोई ऐसी बात की है, बिल्कुल अपना ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, और मेरा तो फोकस सारा हमेशा से परफॉर्मेंस के ऊपर रहा है, मेरे से तो किसी ने कोई ऐसी चीज़ आके बोला ही नहीं कि भाई आप ऐसे हो, ये है वो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
जी प्लीज चौधरी अशरफ एंड देन इजाज वसीम। जी शर्जील, एक तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान टीम में वापस आए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो चार T20 मैच हैं, और आपका हदफ क्या होगा, जैसा PSL पे पहली सेंचुरी भी आपने की थी T20 की, तो क्या ये टारगेट हदफ है कि जनूबी अफ्रीका में का आपका पहला दौरा है, वहां पे भी आप सेंचुरी स्कोर करें? देखिए, मेरे हमेशा से ही ना छोटे छोटे टारगेट रहे हैं। मैं अभी लाहौर कैंप में हूँ, तो पहले मेरा टारगेट यहाँ पे है, बस इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, वहाँ कंडीशंस देखेंगे, फिर उस हिसाब से टारगेट बनाएंगे वहाँ का। मैं हमेशा छोटे टारगेट सेट करता हूँ, और अभी T20 में टाइम है, तकरीबन 15 से 16 दिन बाकी हैं अभी T20 के अंदर। तो हमेशा से सबकी कोशिश होती है कि बंदा परफॉर्म करे, हर मैच में रन करे, हर मैच में परफॉर्म करे, लेकिन बिल्कुल एक टारगेट होता है हर टूर्नामेंट का। तो इंशाल्लाह टारगेट मैं भी बनाऊंगा वहां जाके, जो चीजें, जो सिचुएशन, जो कंडीशन वहां पे होगी उस हिसाब से, और कोशिश हमेशा से रही है कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा करूं। जी जास शर्जील, कल के प्रैक्टिस मैच की बाउंड्री लाइन के ऊपर आप जैसे रनिंग कर रहे थे, बाद में आप अपना इंफरादी एक सेशन भी कर रहे थे बैटिंग का, शाम को पूरे पाकिस्तान को ये तासर मिला कि शर्जील को आइसोलेशन में डाल दिया गया है ताकि आप अपनी जो है वो वेट कम करके आओ तो फिर आपको T20 सीरीज में मौका मिलेगा, क्योंकि वो आपने भी देखा होगा कि बड़ा नेगेटिव सा रिस्पांस आया है। सो आप एक्चुअल बताइए कि मिसबा 11 ने आपको टास्क क्या दिया है कि आप कितना एक वेट रिड्यूस करें और कैसे आपकी T20 में शमूलियत होगी? ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई टास्क दिया है, ना कोई टारगेट दिया है, ये मैं अपनी इंडिविजुअली ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक फिटनेस लेवल है मैं उसको अचीव करूँ। जहाँ पे बाकी प्लेयर्स की फिटनेस है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिटनेस को वहाँ पे लेके जाऊँ, और ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है जो आपने मुझे पूछा, ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया गया, ऐसा कोई चीज नहीं है। जी शर्जील, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने टीम में कमबैक किया है। अच्छा, ये बताएंगा कि कैसा लगता है इतने अरसे बाद जब टीम के अंदर आप वापस आते हैं और जब सब मिलते हैं, और खास तौर पर जब इतना बड़ा कोचिंग पैनल हो जिसके अंदर यूनस खान है, मिसबा हैं, वकार भाई हैं, तो उनकी मौजूदगी में, आप वकार साहब की कोचिंग के अंदर पहले भी खेले हैं, तो उनकी मौजूदगी में ट्रेनिंग करना कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह हमारे सब लेजेंड ही रहे हैं, और सबकी ख्वाहिश होती है इनके साथ खेलना, इनसे चीजें सीखना। तो मैं पहले भी इनके साथ काफी रहा हूँ, मिसबा भाई के साथ भी काफी PSL में रहा हूँ, और मैं उनके साथ पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हूँ, मिसबा भाई के साथ भी, और अभी भी मेरी यही कोशिश है मैं उनसे और नई चीजें सीखूं। और हमेशा से मेरा यही रहा है कि जो भी आपके सीनियर हैं, जो आपके स्पेशली लेजेंड रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनसे जितनी चीजें मैं सीख सकूं अपनी स्किल जो है मिसबा भाई से बैटिंग के बारे में, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह पूरा फायदा उठाऊंगा इस चीज का। जी अच्छा, जी शर्जील सलाम अलैकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी शर्जील, मैंने पूछना ये था कि आपका जो प्लस पॉइंट है, आप हुक और पुल बड़ी अच्छी खेलते हैं और शॉर्ट बॉल्स को स्कोरिंग आपका पॉइंट है, जनूबी अफ्रीका में चूंकि जो है वो पिचेस बाउंसी होती हैं और जाहिर सी बात है वो आपको इस पे टारगेट भी करेंगे, तो इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखें, हर प्लेयर का एक नेचुरल शॉट होता है, एक नेचुरल चीजें होती हैं, किसी के ड्राइव अच्छे होते हैं, किसी के कट अच्छे होते हैं, किसी के पुल अच्छे होते हैं, तो मैं ये चीज नहीं सोचता कि मेरा कट अच्छा है या पुल अच्छा है, मैं हमेशा बॉल को मेरिट पे खेलता हूं, और कोशिश यही होती है कि बैटिंग में जितनी कम से कम गलती करूं, बॉल जहां आएगा बॉल को उस मेरिट के ऊपर खेलना है, और फेवरेट चीज अगर आप जहन में रखेंगे तो फिर आप दूसरी बॉलों में डिसीव हो जाएंगे। तो मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है कि आप अपने मेरिट के ऊपर खेलें और बॉल को आप पिक करें, और जैसे ही आपका नेचुरल गेम है और आप उसको खेलें। जी अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शर्जील। शर्जील, वेस्ट इंडीज का अगर टेस्ट मैच देखें तो वहां पे रहीम करनवाल जो है वो इस वक्त टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट से लेके हर कोई जो है सबसे पहले अगर कोई बात करता है तो वो फिटनेस की बात करता है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन तमाम सवाल जो है वो फिटनेस के इर्द गिर्द जो है वो घूमते नजर आए, तो ये आप इसको मेंटली किस तरह से ओवरकम करते हैं, और इसका आपने भी जैसे कहा कि स्किल जो है वो
प्रेपर आप स्किल्स को करते हैं फिटनेस को नहीं, तो ये सारे सवाल, और जब इस तरह की बातें होती हैं तो मेंटली जो है इस चीज को किस तरह से ओवरकम करते हैं? देखिए सबका एक अपना अपना होता है, मैं सिर्फ अपना देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को कहाँ लेके जाना है। सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, अपना अपना टारगेट होता है। मेरा वहाँ दूसरे कंट्री वालों से कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मैंने आगे फिटनेस को इम्प्रूव करके कहाँ जाना है। शर्जील ये बताइए कि जिस तरह से आपका बड़े अरसे बाद कमबैक हुआ है, अभी इनिशियली आपको T20 स्क्वाड में शामिल किया गया, तो फ्यूचर में आपके गोल्स हैं कि टेस्ट टीम और वनडे टीम में जगह बनानी है, किस तरह बनानी है, कैसे बनानी? देखें अभी T20 में सिलेक्शन हुई है, अभी मेरा सारा टारगेट, मेरा सारा फोकस T20 क्रिकेट के ऊपर है। बिल्कुल कोशिश करूंगा कि T20 में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूं, और आगे वनडे स्क्वाड जो आप कह रहे हैं और आगे वनडे टीम और जो टेस्ट टीम है, कंपटीशन इतना इजी नहीं है। पहले मेरा टारगेट T20 की परफॉर्मेंस पे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, पहले मेरा टारगेट T20 क्रिकेट के ऊपर है। जी अब्बास, माइक म्यूट है अब्बास आपका। शरजील आवाज आ रही? जी जी। ये ना ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदें ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी देखा गया था कि वो उस पर आप जरा थोड़ा मुश्किल का शिकार रहे हैं, तो अब खासतौर पे साउथ अफ्रीका वाले भी ये इसी चीज को टारगेट करेंगे, तो उसके लिए कोई खास तैयारी, कोई खास प्लानिंग की है? मुझे नहीं लगता कि मुझे शायद बाहर जाते वाली बॉल पे कोई परेशानी होती है। अगर आप कैदन ट्रॉफी का पूरा सीजन उठा के देखें, 8 फर्स्ट क्लास मैच खेला हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं कोई बाहर जाती हुई बॉल पे बहुत दफा आउट हूँ। मैं 650-700 रन किए हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल ही आपको 4 डे क्रिकेट में होती है, जहाँ सारा दिन बॉल स्विंग होता रहता है, तो सबकी वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके आपको अपनी स्किल के ऊपर हमेशा काम करते रहना चाहिए। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने का। कल हमारा प्रैक्टिस